पानीपत में कोरोना के कहर के बीच बहुत से सैंपल्स रिपोर्ट कई कई दिन न मिलने से संक्रमण बढ़ रहा है। जिले में बने कोविड सेंटर्स की मॉनिटरिंग और पारदर्शिता भी सवालों के घेरे में है। खास बात यह है कि प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए अब सभी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए 25% बेड आरक्षित कर दिए हैं। इस अच्छे फैसले के बारे में संदेह यह है कि क्या इन अस्पतालों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध रहेगा। औद्योगिक शहर पानीपत में भी कोरोना की स्थिति और हालात चिंताजनक हैं। लगातार नए मामले बढ़कर सामने आने और 31 मार्च को चल रहे एक्टिव केस 450 से बढ़कर महज 20 दिन में ही करीब 2200 तक पहुंचने से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पानीपत का ये जिला अस्पताल है, कोरोना का कहर बढ़ने के साथ टेस्टिंग भी बढ़ रही है और प्रशासन ने एहतियाती कदम भी उठाए हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि 4-5 दिन तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली। जिनको रिपोर्ट नहीं मिली वो रोजाना तकरीबन यहाँ आते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो दूसरों के लिए खतरा बने और परिवार के साथ भी रहते हैं। लैब यहाँ होने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट आने में बहुत समय लग रहा है और एक डॉक्टर ने मेरे को भी ये कहा है कि आप यहाँ की हवा से दूर रहिए। इसी से अंदाजा लग सकता है कि जो लोग यहाँ टेस्ट कराने आ रहे हैं, चूंकि बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी इनमें होंगे और टेस्ट रिपोर्ट के लिए जो आते हैं उनमें भी हो सकते हैं, तो यहाँ की हवा भी अब माना जा रहा है कि खतरनाक हो गई है। यानी अगर कई टेस्ट की रिपोर्ट 5-6 दिन बाद मिल रही है और इसके लिए प्रभावित व्यक्ति बार बार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, तो कुल टेस्ट के 20% पॉजिटिव आने वाले लोग अस्पताल में बार बार आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि संक्रमण कैसे फैल रहा है। टेस्टिंग को भी एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि अगर आज एक टेस्टिंग हो रही है उसकी 4-5 दिन रिपोर्ट नहीं आ रही और जो भी आदमी टेस्ट करवा रहा है वो टेस्ट करवाने के बाद मार्केट में अपने घर में परिवार में सभी से खुला मिल रहा है, खुला सब चीज हो रही है, और 4 दिनों के बाद 5 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है पता लगता है वो पॉजिटिव है, तब तक वो सैकड़ों लोगों तक मिल चुका होता है। हालांकि पानीपत जिला प्रशासन ने देर से ही सही कुछ और फैसले लिए हैं। अब हर अस्पताल में कोरोना का इलाज 25% बेड रिजर्व रखने होंगे। फैसला अच्छा है, पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और चार्जेस में पारदर्शिता रहेगी? जबकि पहले से बने कोविड सेंटर्स की मॉनिटरिंग और चार्जेस को लेकर सवाल खड़े हैं। कोविड सेंटर सरकार ने एक निर्देश दिए हैं कि कोविड सेंटर तैयार किए जाएं। अभी तक पानीपत में कोविड सेंटर कितने बेड का तैयार हुआ, ऑक्सीजन की क्या रिपोर्ट है, स्टॉक कितना है? पहले हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स थे, प्रेम और पार्क, अब हॉस्पिटल्स भी बढ़े हैं कोविड के हमारे पास, तो वहाँ से भी अलग अलग हॉस्पिटल से जिस हिसाब से हमारे पास डिमांड आ रही है उस हिसाब से हमने भी आगे अपनी डिमांड बढ़ा के रेमडेसिविर के लिए पूरा स्टॉक अवेलेबल कराने की हर हालत में हमारी प्रयास है। दुखद ये भी है कि पानीपत में 4 दिन में मंगलवार को फिर दूसरी बार एक ही दिन में कोरोना से हुई 7 मौतों पर लोग दुखी थे। एक ही दिन में 7 अंतिम संस्कार हुए। जो लोग कोरोना का शिकार हो गए या जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ये सब देख रहे हैं, उन्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि धरती पर कोरोना महामारी भी कभी आई थी जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। उफ। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।